हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। आज आम फिफ्थ क्लास साइंस अच्छी आम देशर भूमि रूप और जलवायु देखा। चलो विषय कौन अच्छी। पिंकू नुआ आटलास्ट को मन खुशी देखु थे। आटलास देखु देखु भारत प्राकृतिक मानचित्री तार नजर में पड़ा। से टिके अटकी जाए बापा को पचारा, बापा यही मानचित्र सबुज फिका बादामी हलदिया नील एपरी केते गुड़े रंग कहीं दि जाइए। बापा बुझाई कहले कि पिंकू आम भारत भूमि रूप सब स्थान सामान नुहे। यू भूमि रूप को मानचित्र चिह्नट करने विभिन्न रंग दि जाए। कौन है ना पिंकू नुआ आटलास्ट को देखुला, देखु देखु हटात पचारा बापा को कि आम भारत मानचित्र सब माने सबुज रंग फिका बादामी हलदिया नील एपर रंग कहीं दि जाए। बापा कहले कि क्या आम भारत सबुठ भूमि रूप सामान नुहे, तेणु आपको मानचित्र चिन्ह करने रंग दि जाए। सेगे कौन कौन ना जो समतल भूमि को सबुज रंग, मालभूमि को फिका बादामी, पार्वत्य भूमि बादामी, मरुभूमि हलदिया, जलभाग नील आउ उच्चभूमि गाढ़ बादामी। सब परीक्षा मन पड़ी पारे मन रख ना सबुज रंग का ना समतल भूमि पाई। सबुज रंग का ना समतल भूमि पाई। सेमती फिका बादामी हलदिया रंग पाई, बादामी फिका बादामी होची मालभूमि, बादामी होची पार्वत्य भूमि, हलदिया होची मरुभूमि, नील जलभाग आउ उच्चभूमि किए ना गाढ़ बादामी। तापर मानचित्र देजी आते कौन ना भूमि रूप भारत मुख्य भूमि रूप अवस्थित सब देख। यही मानचित्र आम जाने भारत को मुख्यतः छह प्राकृतिक विभाग विभक्त कराई। मानचित्र कौन जान पड़ा ना भारत को छह प्राकृतिक विभाग में विभक्त कराई। कौन कौन ना प्रथम हूँ उत्तरस्थ हिमाचल हिमालय पार्वत्य अंचल, द्वितीय हूँ उत्तरस्थ समतल अंचल, तृतीय हूँ मालभूमि अंचल, चतुर्थ हूँ पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल, पंचम हूँ उपकूलवर्ती समतल अंचल, षष्ठ हूँ द्वीपसमूह। कौन कौन ना प्रथम है उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल, तापर उत्तरस्थ समतल अंचल, तापर मालभूमि अंचल, तापर पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल, तापर उपकूलवर्ती समतल अंचल, तापर द्वीप समूह कौन ना षष्ठे। तापर आस गोटी गोटी की जानवा। फास्ट उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल देखिए भारत मानचित्र, तेरे कौन ना हिमालय पार्वत्य अंचल। मानचित्र देखि आम जान लें भारत उत्तर रे पार्वत्य अंचल घेरी रही। मानचित्र देखि आम जान लें कि कौन ना भारत उत्तर रे पार्वत्य अंचल घेरी रही। तामध्यरु हिमालय पार्वत्य अंचल मुख्य, उत्तर रे जो पार्वत्य अंचल रही तादर किए मुख्य ना हिमालय पार्वत्य अंचलटा मुख्य। उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल पश्चिम रे काश्मीर थारु, पूर्व रे अरुणाचल प्रदेश पर्यंत प्राचीर भले लंबी रही। कौन ना जो हिमालय पार्वत्य अंचल पश्चिम काश्मीर ठारु पूर्व अरुणाचल प्रदेश पर्यंत लंबी, यार दैर्घ्य हूँ 400-500 किलोमीटर। पर्वत गुड़िक धाड़ी धाड़ी हो लंबी थे पर्वतमाला कह, जदि पर्वत गुड़िक धाड़ी धाड़ी हो लंबी था कौन ना पर्वतमाला कहुए। पर्वत गुड़िक स्थान स्थान छोट बड़ ओसारिया समतल अंचल रही है, तेल कौन ना पार्वत्य उपत्यका कहुए। यदि पर्वत गुड़िक स्थान स्थान में छोट बड़ ओसारिया अंचल रही है, तेल कौन ना पार्वत्य उपत्यका कहुए। सेठे भल चाष हुए, तेणु सेठे बहुत लोग बास करते। कौन ना पार्वत्य उपत्यकार भल चाष हुए बोली बहुत लोग बास करते। उपत्यका मानक काश्मीर डेराडून अन्यतम उप जो पार्वत्य उपत्यका अच्छी तादर किए ना काश्मीर आउ डेराडून। हिमालय पार्वत्य अंचल अधिकांश अंचल घन जंगल परिपूर्ण। कौन ना हिमालय पार्वत्य अंचल अधिकांश अंचल कौन ना घन जंगल परिपूर्ण। यही जंगल में विभिन्न जातिर औषध वृक्ष और विभिन्न जातिर पशुपक्षी देखा जाती। जंगल किए किए ना औषध वृक्ष देखा अच्छा आउ पशुपक्षी देखा जाती। आसला उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल समुद्र पतन ठारु अधिक बहुत उच्च होठार कौन ना बर्ष सारा अधिक थंडा अनुभूत हुए।
हिमालय पर्वत समुद्र पतन ठार बहुत उच्च होंडा अनुभूत हुए। हिमालय के टू गडविन अस्ट्रीन कांचनजंगा नंदा देवी अति उच्च श्रृंगर अग्रभाग में वर्षतमा बरफ ढांक रही है। हिमालय कौन ना के टू बा गडविन अस्ट्रीन कांचनजंगा नंदा देवी अति उच्च श्रृंगर अग्रभाग में वर्षतमा बरफ ढांकी रही है। ये जगह भी कौ कौ जगह मन रखी परीक्षा पड़ पाए के टू गडविन अस्ट्रीन कांचनजंगा और नंदा देवी यही अंचल बरफ तरल नदी रूप में बही जाइए जथा गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी यही अंचल बरफ सब नदी आकार में बही जाइए कौन ना गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र नदी तेणु यही नदी गुड़ा कौन ना चीरस्रोता जब पचार चीरस्रोता नदी किए किए ना गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र। यही पार्वती अंचल जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम अरुणाचल त्रिपुरा मेघालय नागालैंड मिजोराम आदि राज्य गुड़ी अवस्थित। यही पार्वतांचल क्यों क्यों राज्य ना जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम अरुणाचल त्रिपुरा मेघालय नागालैंड मिजोराम आदि मानचित्र राज्य राज्य और नदी गुड़िक चिन्ह कर देखा उत्तरस्थ समतल अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल उत्तर में हिमालय पार्वती अंचल और दक्षिण में मालभूमि अंचल अवस्थित। उत्तरस्थ समतल अंचल कौन ना उत्तर हूँ हिमालय पार्वती अंचल दक्षिण में मालभूमि अंचल अच्छी यह भारत बृहत्तम समतल अंचल यह भारत कौन ना बृहत्तम समतल अंचल यह पश्चिम पंजाब ठारु पूर्व गंगा नदी त्रिकोण भूमि पर्यंत विस्तृत यह कौन ना पश्चिम पंजाब ठारु पूर्व गंगा नदी त्रिकोण भूमि पर्यंत विस्तृत। पंजाब हरियाणा बिहार पश्चिम बंग और आसाम राज्य यही समतल अंचल अवस्थित कौन ना पंजाब हरियाणा बिहार पश्चिम बंग और आसाम समय किए ना पंजाब हरियाणा बिहार पश्चिम बंग आसाम यही राज्य अवस्थित। यह बहुत ओसारिया पूर्व पश्चिम भाव में लंबी हो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र अनेक छोट बड़ नदी यही अंचल बही जा हिमालय बाहर नदी गुड़िक अंचल बही जाइ अंचल माटी उर्वर और चाष उपयोगी यही अंचल बहुत लोग बास कर हिमालय बाहर नदी गुड़िक अंचल बही जाइवर कौन ना ये अंचल माटी उर्वर चाष उपयोगी चाषपाई भल तेणु ये अंचल कौन ना बहुत लोग बास करते देखिए मालभूमि अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल दक्षिण रु कन्याकुमारी पर्यंत मालभूमि अंचल विस्तृत कौन ना उत्तरस्थ समतल अंचल दक्षिण रु कन्याकुमारी पर्यंत मालभूमि अंचल विस्तृत। यही अंचल आकार प्राय त्रिभुज भाई यही अंचल तीन पाखे समतल भूमि घेरी रही यार भूमि होची उच्च और पहाड़िया केतेक स्थान रे पर्वत श्रेणी मान रही मालव मालभूमि छोट नागपुर मालभूमि और दाक्षिणात्य मालभूमि बा तेलंगाना मालभूमि को नहीं यही गठित कौन ना मालव मालभूमि छोट नागपुर मालभूमि दाक्षिणात्य मालभूमि और तेलंगाना मालभूमि को नहीं अंचल गठित। यही मालभूमि पश्चिम रु पूर्व आड़ गड़ाणिया तेणु पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी गुड़िक बाहरी बंगोपसगर में पड़ते नर्मदा और ताप्ती कौटी ना आरब सगर में ताल किए ना महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कौटी बंगोपसगर में पड़ते नर्मदा और ताप्ती आरब सगर में यही अंचल महाराष्ट्र मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा कर्णाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अंचल नहीं गठित तेज ना महाराष्ट्र मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा कर्णाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तापर पश्चिमस्थ मरुभूमि अंचल नेक्स्ट क्लास देखा भिडियो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी करदे।